की, तो देखा जाए हर गांव के अंदर चुनावी मेला देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आज हम ऐसे गांव के अंदर बैठे हैं जो दो गांव को मिलाकर एक चुनाव पंचायती के अंदर आता है, जिस गांव का नाम है दिगारा। दिगारा शंकरगढ़ को मिला के दोनों गांव की एक ही बूटे है। आइए आज हम बात कर रहे हैं दिनारा के अंदर हमारे बीच में पहली बार चुनावी मैदान में बीटीसी प्रत्याशी जिनका नाम है अरुण, पूरे गांव के अंदर ठेकेदार के नाम से प्रसिद्ध है, ये चुनावी मैदान में आए हैं। इनकी श्रीमती रामश्री जी जो चुनावी मैदान के अंदर आ चुके हैं बीटीसी पद को लेकर। आइए जानते हैं कि अरुण ठेकेदार से कि आखिरकार कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए। बता दें आपको इनका चुनाव चिन्ह है आटा की चक्की, आखिरकार किस प्रकार ग्रामीण वासियों से आशीर्वाद लेने के लिए हमारे चैनल पर बात कर रहे हैं। तो अगली आवाज ठेकेदार साहब की। ठेकेदार साहब नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो बधाई हो आपको, आप बीटीसी की चुनाव में आप आए हो। हाँ बिल्कुल सर। कौन सा मुद्दा चुना है आपने? सर जनता का और भाई बहनों का मेरे को आशीर्वाद मिला है जी, सो उन्होंने सब लोगों ने समर्थन किया है कि आप बीटीसी का चुनाव लड़िए और आप इसके योग्य हैं, आप इसके योग्य हैं और हम सब आप लोगों के साथ में हैं। आप ठेकेदार ये बताइए गांव के अंदर कितने दिनों से समर्थन लोगों के बीच में जा जाकर आप चुनाव मैदान में आए? लगभग तो 80% आदमी इनके समर्थन में। अच्छा सर, हाँ। किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप गांव में जाते हो तो क्या लोग आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप वजनदार आदमी हो और आपका योग्यता सही है और चार आदमियों से व्यवहार ठीक है, इसलिए सारे लोग अपन को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, गांव के अंदर दोनों गांव के अंदर मिला के जाएं तो कितनी क्या व्यवस्थाएं खराब है? व्यवस्थाएं खराब है, नल है, पानी है, थोड़ी सी नल पानी में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि इस टाइम गर्मी की थोड़ी सी वो प्रॉब्लम चल रही है। शंकरगढ़ और दिगारा वासियों की आशीर्वाद हो गई, आज जीत गए, तो पहला काम क्या कराओगे दोनों गाँव के अंदर? बस जो जो समस्या है पानी की समस्या है, नाली मार्ग वगैरह नहीं डली है, जो खुदाई नहीं हुई है कि जो पानी वगैरह रुकता है तो उसकी सफाई करेंगे। गांव वालों के लिए ये कहना चाह रहे हैं मेरा सत सत नमन प्रणाम, मेरे को पूर्ण बहुमत से सब लोग समर्थन करें और मेरे को उम्मीदवार के रूप में जिताएं। क्या चुनाव चिन्ह आपका? चुनाव चिन्ह आटा चक्की है अपना। बहुत बहुत बधाई, आप प्रत्याशी हो, किस प्रकार की खुशी अपने आप को महसूस कर रही हूँ आप? बीटीसी जी, कितनी खुशी है आपको चुनाव मैदान में हो आप? क्या मानते हो गांव के अंदर जो कमजोरियां हैं पूरी हो पाएंगे अगर जीतते हो तो आप? हाँ जीत जाएंगे पूरी। बहुजन समाज पार्टी से भारी मतों से विजय बना है। कौन सा चुनाव चिन्ह है आपका? आटा चक्की। अच्छा, मेरा सब ग्राम वासियों से एक कहना है कि आटा चक्की को भूल न जाना और 15 तारीख को मोहर लगाना।